गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों, हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत हम लोगों ने डाइजेशन ऑफ फूड स्टफ्स इन ड्यूडिनम तक देख लिया था, और उनके विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत गहन अध्ययन किया था, बहुत अच्छे से जान लिया था। आज आइए बच्चों, समय ज़ाया न करते हुए हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड स्टफ्स इन इलियम। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि कैसे इलियम में किन किन फूड स्टफ्स का पाचन होता है और कौन कौन से एंजाइम इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टफ्स इन द इलियम। तो हम देखते हैं बच्चों कि जो इलियम होता है, इलियम में एक इन्वेजिनेशन दिखाई देता है, एक अंगुलियों जैसा धसाव दिखाई देता है उसके म्यूकस लेयर में बच्चों। तो द म्यूकस ऑफ द इलियम हैव द मेजर ट्यूबुलर ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड एज द क्रिप्ट ऑफ लिवर क्यूहेन, दैट इज़ द इंटेस्टाइनल ग्लैंड और मेन ग्लैंड। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट एक इलियम होता है बच्चों, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये इलियम में बच्चों हम देखते हैं कि अंगुलियों जैसा एक नीचे की ओर धसाव पाया जाता है, क्रिप्ट पाया जाता है, जिसको हम क्रिप्ट ऑफ लीवर क्यूहेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिप्ट ऑफ लीवर क्यूहेन कहते हैं, या इसको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी कहते हैं। और यह इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो क्रिप्ट ऑफ लीवर क्यूहेन बनता है बच्चों, ये चार इंपॉर्टेंट सेल्स के द्वारा मिलकर बना होता है। जैसा कि आपके सामने यह सामने है, ये चार इंपॉर्टेंट जो सेल हैं कौन कौन है बच्चों? सबसे पहला है म्यूकस सेल। तो जो म्यूकस सेल होता है बच्चों, इससे जो सिक्रीट होने वाला कंसिस्टेंसी होता है, जो सब्सटेंसेस होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो होता है म्यूकस। एक स्लिपरी मटेरियल होता है बच्चों, जिसको म्यूकस कहते हैं। ये हमारे क्या करता है? इंटेस्टाइनल वाल को, साथ ही साथ जो हमारे GIT का टोटल जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चों, सब जगह म्यूकस लेयर बनता है। और ये क्या करता है? इंटेस्टाइनल वाल को बचाते हैं, उनके लिए सुरक्षा का काम करते हैं, उनके लिए आवरण के रूप में पाए जाते हैं। तो कौन होता है बच्चों? म्यूकस सेल। म्यूकस सेल से निकलने वाला जो सिक्रीशन होता है उसको हम म्यूकस कहते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेल है बच्चों, उसको हम चीफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? चीफ सेल। और चीफ सेल से निकलने वाला जो मटेरियल होता है बच्चों, उसको हम एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंजाइम। और तीसरा जो सेल होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? अर्जेंटा फिन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्जेंटा फिन सेल। और इस अर्जेंटा फिन से बच्चों बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जो क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं हमारे डाइजेस्टिव जूस को। तो डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन के लिए जो हमारे हार्मोन्स हैं बच्चों, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए, वो कौन होते हैं बच्चों? वो होते हैं एक प्रकार के डाइजेस्टिव हार्मोन्स, जो कहाँ से रिलीज होते हैं? अर्जेंटा फिन सेल से। तो ये तीन सेल हो गए। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल है बच्चों, वो है पाइनेथ सेल। क्या होता है बच्चों? पाइनेथ सेल। और ये पाइनेथ सेल क्या करता है बच्चों? बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन का सिक्रेशन करता है, सच एज द लाइसोजाइम, जो किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस या कोई अनवांटेड सब्सटेंसेस जो हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर जाते हैं, हमारे GIT के अंदर एंट्री कर जाते हैं बच्चों, उनको वो मारने का काम करते हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट सेल से बच्चों डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सिक्रीशन सब क्या करते हैं? इसी हमारे क्रिप्ट ऑफ लीवर क्यूहेन के ल्यूमेन में खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं बच्चों? ये क्रिप्ट ऑफ लीवर क्यूहेन के ल्यूमेन में सभी का सिक्रीशन आके यहाँ मिल जाता है। और इसके सामूहिक रूप को, जो ये सिक्रीशन होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सक्कस इंटेरिकस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? उसको हम, जैसा कि यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ दिखाया गया, दर्शाया गया है कि यहाँ से जो सिक्रीशन, सभी सेल के जो सिक्रीशन होते हैं बच्चों, ये यहाँ क्रिप्ट ऑफ लीवर क्यूहेन या तो फिर मेन ग्लैंड ऑफ द इंटेस्टाइन। तो जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है या बच्चों, जिसको हम क्रिप्ट ऑफ लीवर क्यूहेन कहते हैं, यहाँ बहुत सारे सिक्रेशन आकर मिल जाते हैं। और इस सिक्रेशन को हम सक्कस इंटेरिकस कहते हैं या इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सक्कस इंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। जो कहाँ से आता है बच्चों? क्रिप्ट ऑफ लीवर क्यूहेन से आता है। क्रिप्ट ऑफ लीवर क्यूहेन किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? इसमें चार डिफरेंट कोशिकाएं होते हैं बच्चों, डिफरेंट सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? म्यूकस सेल कहते हैं, जो म्यूकस सिक्रेट करता है। चीफ सेल, जो एंजाइम का सिक्रेशन, बहुत सारे एंजाइम, इंपॉर्टेंट एंजाइम अभी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो है बच्चों, अर्जेंटा फिन सेल होता है। यह अर्जेंटा फिन सेल क्या करता है बच्चों? इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेशन। और चौथा जो होता है बच्चों, पाइनेथ सेल होता है। ये बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट का सिक्रेशन करता है, जो क्या करते हैं बच्चों? किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस को मारने का काम करते हैं। तो इन चारों सेल से जो सिक्रेशन होता है बच्चों, वो सिक्रेशन के सामूहिक रूप को हम क्या कहते हैं? सक्कस इंटेरिकस कहते हैं या इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। और ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड स्टफ्स के पाचन के लिए। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में।
तो आइए बात हम करते हैं बच्चों अब सक्कस इंटेरिकस के विषय में, कि जो ये सिक्रीशन हो रहा है, जो सक्कस इंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस बन रहा है, उसका क्या नेचर होता है, कैसा ये होता है। तो इसका जो पीएच होता है बच्चों, इसका पीएच कितना होता है, 8.2, मतलब 8 से 8.2 तक इसका पीएच होता है, अर्थात ये अल्कलाइन मीडियम में देखने को मिलता है। बच्चों अभी अभी हम जो प्रीवियस में लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि जो डाइजेशन हमारे स्टमक में हो रहा था, स्टमक का जो मीडियम था वो हाईली एसिडिक था, जहाँ उसका पीएच कितना होता था बच्चों, 1.222 होता था, अर्थात हाईली एसिडिक मीडियम था। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं बच्चों के हमारे जो हम लोग पैंक्रियास में ड्यूडिनल पार्ट में देखे, वहाँ भी उसका पीएच 6.8 था, ठीक बच्चों, सॉरी 7.8 था। अगर हम यहाँ देखें बच्चों, तो इलियम में हम देखते हैं कि यहाँ जो पीएच बन जा रहा है वो 8.2, अर्थात एल्कलाइन मीडियम में हम यहाँ भोजन का पाचन देखेंगे। अब बात करते हैं बच्चों की सक्कस इंटेरिकस में जो एंजाइम्स हैं, जिसका हमने कहा कि सभी सिक्रेशन जो चीफ सेल से निकलने वाले डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं बच्चों, आइए हम इस एंजाइम्स के विषय में डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि इस एंजाइम्स के क्या क्या रोल हैं, किसको पचाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए, ऐसे एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। तो ये कौन है बच्चों, सबसे पहला जो एंजाइम है उसको हम कहते हैं माल्टेज एंजाइम। क्या कहते हैं बच्चों, माल्टेज एंजाइम, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द माल्टोज, दैट इज आल्सो नोन एज द माल्ट सुगर। तो ये जो माल्टेज एंजाइम होता है बच्चों, ये माल्ट सुगर को, अर्थात जो हम लोग स्टार्च लेते हैं, जैसे हम ग्रेन्स लेते हैं, आलू लेते हैं, तो इन सब में क्या होता है बच्चों, इसमें माल्टोज पाया जाता है। तो इस माल्टोज का पाचन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है बच्चों, हमारे इलियम पार्ट से निकलता है, हमारे चीफ सेल से सिक्रेट होता है इन द फॉर्म ऑफ द सक्कस इंटेरिकस, वो कौन है बच्चों, माल्टेज एंजाइम, जो माल्टोज को तोड़ता है किसमें, दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में, टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में तोड़ता है। और ये फाइनली क्या है बच्चों, ये मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक बच्चों, तो दो मॉलिक्यूल, अर्थात ये जो डाइसैकेराइड्स के रूप में माल्टोज शुगर है बच्चों, ये माल्टोज शुगर किसमें टूट जाता है, टू मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ द माल्टेज एंजाइम। और दूसरा जो है बच्चों, दूसरा जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है जो हमारे इलियम पार्ट से निकलता है बच्चों, वो सुक्रेज, सुक्रेज या इसको हम इन्वर्टेज भी कहते हैं। तो सुक्रेज या इन्वर्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ दी केन शुगर और टेबल शुगर इनटू दी वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ द फ्रक्टोज। ये भी मोनोसेक्राइड्स में तोड़ने का काम करते हैं बच्चों, हमारा जो डाइसेक्राइड्स केन शुगर होता है या सुक्रोज होता है या जिसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं बच्चों, इनको क्या करता है बच्चों, टू मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड्स में तोड़ता है, सच एज द ग्लूकोज एज वेल एज द फ्रक्टोज। और तीसरा अगर हम देखें बच्चों, तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है उसको हम क्या कहते हैं, मिल्क शुगर के रूप में लैक्टोज होता है। और इस लैक्टोज का जो पाचन करता है बच्चों, ये कौन सा एंजाइम होता है, ये रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है लैक्टेज। तो लैक्टेज क्या करता है बच्चों, मिल्क शुगर करता है लैक्टोज को वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज एंड रिमेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं बच्चों, चाहे वो देखिए, चाहे ये माल्टोज हो, माल्टोज क्या करता है बच्चों, दो मॉलिक्यूल से टूटता है, टू मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज, ये एक प्रकार का क्या है बच्चों, ये मोनोसैकेराइड्स है, अर्थात ये क्या है बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारे थे वो एक सिंपल और डिफ्यूजिबल फॉर्म में टूट चुके हैं, और इसी रूप में ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में और गैलेक्टोज के रूप में ही बच्चों, ये मोनोसैकेराइड्स के रूप में ही कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट डाइजेशन हमारे इलियम पार्ट में हो जाता है, ठीक बच्चों। तो यहाँ अगर हम देखें बच्चों, दीज एंजाइम्स डाइजेस्ट ऑल द मेजर कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल कार्बोहाइड्रेट्स इनटू द सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म्स। तो जितने भी यहाँ एंजाइम हमको देखने को मिल रहे हैं बच्चों, हम लोगों ने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स का 30% डाइजेशन जो है वो हमारे बक्कल कैविटी में हो जाता था, रिमेनिंग 70% डाइजेशन जो था बच्चों वो हमारे ड्यूडिनल पार्ट में होता था, अर्थात जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट था। लेकिन बच्चों इसके बाद भी जो बचे हुए पार्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, उनका कंप्लीट डाइजेशन हमारे इलियम पार्ट में आकर हो जाता है, जहाँ डाइसेक्राइड्स क्या होता है बच्चों, सबसे पहले पॉलीसेक्राइड टूटता है डाइसेक्राइड्स में, और डाइसेक्राइड्स की ये जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स थे बच्चों, ये फाइनली आकर क्या होते हैं हमारे इलियम पार्ट में, सब टूट जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द मोनोसेक्राइड्स। और ये क्या होता है बच्चों, ये एंजाइम होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए, जो मेजर और कॉम्प्लेक्स दैट इज द नॉन डिफ्यूजिबल कार्बोहाइड्रेट्स थे बच्चों, उनको ये सिंपल पार्ट में तोड़ देते हैं और डिफ्यूजिबल फॉर्म में तोड़ देते हैं, और आसानी से यहाँ हमारे टोटल कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो जाता है बच्चों, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में हो जाता है। ऑल कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन। ह्यूमन में बच्चों टोटल कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में हो जाता है, लेकिन
कुछ और ऑर्गेनिज्म है बच्चों जिनमें टोटल कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हमारे इलियम तक ही नहीं होता बल्कि वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी जाते हैं। ठीक बच्चों, केवल ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स में टोटल कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हमारे इलियम पार्ट में हो जाता है। कहाँ होता है बच्चों? इलियम पार्ट में। तो ऑल द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक बच्चों, अगर हम आगे देख लें बच्चों कि किसमें टोटल डाइजेशन नहीं हो पाता, किसमें लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक तो बच्चों हम लोगों ने इलियम में ये देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है वो हमारे इलियम पार्ट में कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द मोनोसैकेराइड्स सच एज द ग्लूकोज फ्रक्टोज एज वेल एज द गैलेक्टोज। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों अभी तक तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन को देखा, अब हम देखते हैं कि इलियम में प्रोटियोलिटिक एंजाइम कौन कौन से होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ बच्चों अगर हम देखें तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम में हमारे सक्कस एंटेरिकस में पाए जाने वाला, हमारे इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाने वाला जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं, प्रोटीन के डाइजेस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम इरेप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आप इसको रिमार्क कर लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रेटेड फ्रॉम द सक्कस एंटेरिकस आर स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉमनली नोन एज द इरेप्सिन। क्या कहते हैं बच्चों? इरेप्सिन। और इरेप्सिन इन तीन एंजाइमों का समूह होता है। कितने एंजाइमों का बच्चों? तीन एंजाइमों के समूह को हम इरेप्सिन कहते हैं जो सक्कस एंटेरिकस में एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के रूप में पाए जाते हैं। पहला है बच्चों एमिनोपेप्टाइडेज, जो एमिनो एसिड को क्या करेगा बच्चों? एमिनो एसिड के रूप में वो कन्वर्ट करेगा, एमिनो एसिड्स के रूप में उसको लाएगा। पहला होता है एमिनोपेप्टाइडेज, दूसरा होता है डाईपेप्टाइडेज और तीसरा होता है बच्चों कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो ये तीनों जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है बच्चों, इन तीनों के सामूहिक रूप को हम इरेप्सिन कहते हैं, विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज द सक्कस एंटेरिकस से निकलने वाले, सॉरी क्रिप्ट ऑफ लिवर को से निकलने वाले एंजाइम होते हैं बच्चों, जिनको हम सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जाते हैं। और ये सक्कस इंटेस्टाइनल का क्या है बच्चों? ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जिसको हम इरेप्सिन कहते हैं। आइए हम जान लेते हैं। तो ये हम देखते हैं बच्चों कि जो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि हमारे ड्यूरिनल पार्ट में बच्चों क्या हुआ था कि जो प्रोटीन होते थे वो किस में टूट गए थे? पॉलीपेप्टाइड्स एंड डाईपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स में कुछ पेप्टोन्स में भी टूटे थे और मैक्सिमम क्या थे बच्चों? वो पॉलीपेप्टाइड्स या डाईपेप्टाइड्स में टूट गए थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि बच्चों अगर पूर्ण रूप से पॉलीपेप्टाइड्स का पाचन डाईपेप्टाइड्स या अमीनो एसिड में नहीं होता है तो उनका पाचन टोटली कहाँ के हो जाता है बच्चों? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके हो जाता है। तो हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ कि रिमेनिंग पॉलीपेप्टाइड्स और सभी डाईपेप्टाइड्स, तो बचे हुए जो पॉलीपेप्टाइड्स जो हमारे ड्यूडिनम में नहीं पच पाते हैं बच्चों, वो बचे हुए पॉलीपेप्टाइड्स और सभी डाईपेप्टाइड्स ये क्या होते हैं बच्चों? इरेप्सिन एंजाइम्स के द्वारा, इरेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में सभी ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ द सिंपल कंपाउंड एज वेल एज द डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का जो सबसे सिंपल कंपाउंड होता है, जो डिफ्यूजिबल फॉर्म होता है बच्चों, जिसको अमीनो एसिड कहते हैं, इसी अमीनो एसिड के रूप में बच्चों प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में होता है और यही अमीनो एसिड के रूप में अब्जॉर्प्शन भी होता है। तो फाइनली डाइजेशन जो प्रोटीन का होता है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड्स टेक्स प्लेस इन द इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ द इरेप्सिन। ठीक बच्चों, इरेप्सिन एंजाइम्स के द्वारा सभी पॉलीपेप्टाइड जो बचे हुए पॉलीपेप्टाइड्स और सभी डाईपेप्टाइड्स इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड में। अगर हम देखें बच्चों कि इनको कैसे डाईपेप्टाइड क्यों कहते हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइड क्यों कहते हैं, तो डाईपेप्टाइड में आप देखेंगे बच्चों डाई माने टू, पेप्टाइड माने पेप्टाइड बॉन्ड से, अर्थात दो अमीनो एसिड, अमीनो एसिड फर्स्ट अमीनो एसिड सेकंड, दो अमीनो एसिड जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं बच्चों आपस में जुड़ते हैं उसको हम डाईपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों? जो ये एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? इनको इसी जगह से तोड़ देते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात इसी पेप्टाइड बॉन्ड को दो जगह से तोड़ते हैं जिसको हम डाईपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक बच्चों, और साथ ही अगर हम देखें कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्यों कहते हैं बच्चों, तो यहाँ हम देखते हैं कि एक छोर पर अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है और दूसरी तरफ पर कार्बोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है। तो जो ये अमीनो पेप्टाइडेज होते हैं बच्चों, सॉरी ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं? ये जो कार्बोक्सी ये पेप्टाइड बॉन्ड को दो जगह से तोड़ते हैं, एक तो वहाँ से तोड़ते हैं जहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, एक वहाँ से तोड़ते हैं जहाँ से अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक बच्चों, तो इनको तोड़ने का काम जो करते हैं वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम करते हैं, जबकि डाईपेप्टाइड को जो तोड़ने का काम करते हैं बच्चों उसको डाईपेप्टाइड अर्थात अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम करते हैं। ठीक बच्चों, डाईपेप्टाइडेज और अमीनोपेप्टाइडेज एंजाइम का काम क्या होता है बच्चों? इनको तोड़ने का काम करता है। तो डाईपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करते हैं बच्चों? डाईपेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं, जबकि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम जो होते हैं बच्चों वो कार्बोक्सीपेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक बच्चों,
तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों की जो फाइनली प्रोटीन का पाचन होता है वो हमारे इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है विद द हेल्प ऑफ द इरेप्सिन एंजाइम्स विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द क्रिप्ट ऑफ लिवर क्यूहन दैट इज द इंटेस्टाइनल ग्लैंड इन द फॉर्म ऑफ द सक्कस सिंटेरिकस। ठीक बच्चों, तो सक्कस सिंटेरिकस के रूप में या इंटेस्टाइनल जूस के रूप में यहाँ प्रोटीलिटिक एंजाइम के रूप में इरेप्सिन पाया जाता है जो सभी डाइपेप्टाइड्स और बचे हुए पॉलीपेप्टाइड्स का कन्वर्जन एक इसमें करते हैं बच्चों इन द फॉर्म ऑफ द सिंपल एंड डिफिजिबल फॉर्म सच एज द अमीनो एसिड्स। वेरी वेरी गुड। ठीक बच्चों, अब आइए हम बात करते हैं कि यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में और किसका पाचन हो रहा है। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन को देख लिया और प्रोटीन के डाइजेशन को देख लिया। अब हम देखते हैं बच्चों कि कुछ लाइपेज भी होते हैं, कुछ ऐसे लाइपोलिटिक एंजाइम भी होते हैं जो बच्चों फैट या लिपिड्स का पाचन करते हैं। तो हम लोगों ने यह भी देख लिया था बच्चों कि मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो लिपिड्स या फैट थे बच्चों इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स दैट इज द घी एज वेल एज द ऑयल, ऑयल और घी के रूप में जो फैट का पाचन होता था बच्चों वो कहाँ होता था, हमारे ड्यूडिनल पार्ट में होता। क्यों? क्योंकि वहाँ से बाइल साल्ट हमारे लीवर के द्वारा बना हुआ बाइल जो है बच्चे हमारे गॉल ब्लैडर में आता था, वहाँ कंसनट्रेट होने के बाद वो बाइल कहाँ चलाता था बच्चे, बाइल साल्ट वो आता था हमारे ड्यूडिनल पार्ट में और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो लिपिड पाए जाते थे अर्थात जो घी और ऑयल्स होते थे बच्चे उनको तोड़ता था किसमें, इन द फॉर्म ऑफ द माइसेल्स के रूप में जिसको हम इमल्सीफाइड फैट कहते थे। और वो इमल्सीफाइड फैट बच्चों हमारे गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा फाइनली किस में तोड़ा जाता था, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के रूप में। तो यहाँ हम ये देखेंगे बच्चों की जो बचे हुए कुछ और रिमेनिंग फैट जो होते हैं बच्चों इन द फॉर्म ऑफ द इमल्सीफाइड फैट, चूँकि बच्चों मैंने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स फैट का डाइजेशन होगा बच्चों वो केवल हमारे ड्यूडिनल पार्ट में होता है। क्यों? क्योंकि वहीं से ही गॉल ब्लैडर से आने वाला बाइल साल्ट केवल ड्यूडिनल पार्ट में ही मिलता है। तो कॉम्प्लेक्स फैट का पाचन तो केवल हमारे ड्यूडिनम पार्ट में होगा, लेकिन जो रिमेनिंग इमल्सीफाइड फैट होते हैं बच्चों उनका पाचन हमारा कुछ तो ड्यूडिनल पार्ट में हो जाता है और जो बचा हो रहता है बच्चों उस इमल्सीफाइड फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, हमारे इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में आकर हो जाता है। तो यहाँ बताया गया बच्चों कि रिमेनिंग इमल्सीफाइड फैट फ्रॉम द ड्यूडिनम से आया हुआ जो रिमेनिंग इमल्सीफाइड फैट होता है बच्चों उसको जो डाइजेस्टिव ये इंटेस्टाइनल लाइपेज होते हैं बच्चों जो हमारे सक्कस सिंटेरिकस में पाए जाते हैं बच्चों वो इंटेस्टाइनल लाइपेज जिसको पचाने का काम करते हैं और इसको तोड़ देते हैं फाइनली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में जो सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म में कहा जाता है बच्चों। और इसी फॉर्म में क्या होता है बच्चों इनका डाइजेशन भी होगा, इसी फॉर्म में इनका एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो अगर हम देखें कि फाइनली फैट का डाइजेशन किस रूप में होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के रूप में होता है, तो जो रिमेनिंग ये जो क्या कहते हैं बच्चे इमल्सीफाइड फैट थे अर्थात हमारे ड्यूडिनम से बचकर हमारे इंटेस्टाइन में आ गए हैं बच्चों उनका पाचन कंप्लीटली यहाँ हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो हम लोगों ने देख लिया बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हो गया, प्रोटीन का पाचन हो गया, फैट्स का पाचन हो गया। अब हम देखते हैं बच्चों कि चूंकि हम अपना जो भोजन लेते हैं बच्चों चाहे हम अनाज लेते हों चाहे हम किसी ग्रीन प्लांट्स को लेते हैं चाहे जिसको हम लेते हों बच्चों तो वो उसमें कहीं ना कहीं सेल होता है और सेल में अगर हम देखेंगे तो वहाँ न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस होगा बच्चों तो वहाँ न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में डीएनए और आरएनए पाया ही जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि बच्चों जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट है यहाँ डीएनए आरएनए का भी पाचन होता है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि डीएनए आरएनए किसके बने होते हैं बच्चों, तो ये किसके बने होते हैं, पेंटोज शुगर फास्फेट और जो कहते हैं बच्चों नाइट्रोजिनस बेसिस के बने होते हैं। तो इन सब का कन्वर्जन कहाँ होता है बच्चों, ये इलियम पार्ट में हमको देखने को मिलता है। तो आइए हम नेक्स्ट जो एंजाइम से बच्चों उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो अगला एंजाइम जो होता है बच्चों वो न्यूक्लियोटाइडेज होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोटाइडेज जो न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोसाइड्स एंड फास्फेट के रूप में। जैसा कि बच्चों हम लोगों को पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट के मिलकर बने होते हैं। किसके बने होते हैं बच्चों, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, जो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ देता है इन द फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोसाइड्स एंड फास्फेट। और जो अगला एंजाइम है बच्चों जिसको हम न्यूक्लियोसाइड, जब यहाँ न्यूक्लियोसाइड्स में टूट गया है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि अब न्यूक्लियोसाइड्स भी टूटना चाहिए। तो न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है बच्चों उसको हम न्यूक्लियोसाइडेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियोसाइडेड एंजाइम। तो ये न्यूक्लियोसाइडेड एंजाइम जो होता है बच्चों ये क्या करता है, फाइनली तोड़ देता है जितने भी डीएनए आरएनए है बच्चों उनको एकदम सिंपल फॉर्म में तोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ द पेंटोज शुगर एज वेल एज द नाइट्रोजिनस बेस सच एज द प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। अर्थात अब क्या होता है बच्चों, फाइनली जो हमारा डीएनए आरएनए है वो एकदम सिंपल फॉर्म में टूट गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म एज वेल एज द डिफ्यूजिबल फॉर्म में जिस रूप में हमारे शरीर में इनका पाचन होना है। ठीक बच्चों, तो न्यूक्लियोसाइड किस रूप में टूट गया, पेंटोज शुगर एज वेल एज द नाइट्रोजिनस बेस सच एज द प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ठीक बच्चों, तो हम देख लिए कि फाइनली जो होता है डीएनए आरएनए का पाचन यहाँ हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों तो हमारा जो इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ हमारा कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है।
होता है, कंप्लीट प्रोटीन का पाचन होता है, कंप्लीट फैट का पाचन होता है, कंप्लीट डीएनए और आरएनए का पाचन होता है, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड्स एज वेल एज द न्यूक्लियोसाइड्स का पाचन यहाँ हो जाता है। ठीक बच्चों, तो कंप्लीट पाचन हमारा कहाँ हुआ बच्चों, हमारे इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। जैसा कि अभी हम कुछ ही समय पहले बात कर रहे थे बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट्स का टोटल पाचन जो ह्यूमन बींग्स में होता है बच्चों वो कहाँ हो जाता है, इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है बच्चों जहाँ टोटल पाचन कार्बोहाइड्रेट्स का इलियम में नहीं हो पाता, वो कुछ और आगे बढ़ता है और वो कहाँ पहुँच जाता है बच्चों, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुँचता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों, उनका पाचन होता है। तो वो कौन है बच्चों, अर्थात वो पॉलीसेक्राइड्स के रूप में सेल्यूलोज होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो सेल्यूलोजिक पार्ट होता है जो बच्चों प्लांट सेल में पाया जाता है, तो जो प्लांट का सेल वाल होता है बच्चों उसमें रिचर्ड फूड मटेरियल क्या होता है, सॉरी सेल वाल किसका बना होता है बच्चों, सेल्यूलोज का बना होता है। तो सेल्यूलोजिक कंटेनिंग सेल वाल जो होता है बच्चों, जो हर्बीवोरस एनिमल्स उसको ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं, तो उसमें अधिक मात्रा में सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज का पाचन बच्चों हमारे उनका जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज के पाचन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रोटोजोआंस होते हैं बच्चों, वो वहाँ नहीं पाए जाते हैं और इसलिए उनका पाचन वहाँ नहीं होता है। तो ये पाचन कहाँ होता है बच्चों, इनके सीकम पार्ट में होता है, इनके कुछ रूमेन में होता है। आइए बात कर लेते हैं इनमें। तो देखते हैं कि बच्चों इनमें जो सेल्यूलोज का पाचन होता है वो दो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग ढंग से होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इन रैबिट। तो इन केस ऑफ रैबिट में अगर हम देखें बच्चों की रैबिट में सेल्यूलोज का पाचन कैसे होता है, तो रैबिट में होता है बच्चों डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज टेक्स प्लेस इन द सीकम पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ द एनोरोबिक बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस ऑफ द एनोरोबिक फर्मेंटेशन। तो इनका जो सीकम पार्ट होता है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में, इनमें सेल्यूलोज का पाचन किसके द्वारा होता है बच्चों, एनोरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा बाय द प्रोसेस ऑफ द एनोरोबिक फर्मेंटेशन। वहाँ अवायवी किण्वन होता है बच्चों, और किण्वन के द्वारा वहाँ बहुत सारे लाभदायक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बहुत सारे लाभदायक प्रोटोजोआंस पाए जाते हैं बच्चों, जो इनके सेल्यूलोज का पाचन कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज के रूप में। ठीक बच्चों, तो टोटल जो सेल्यूलोज का पाचन होता है रैबिट में वो कहाँ होता है बच्चों, सीकम पार्ट में होता है। इसीलिए रैबिट का जो सीकम पार्ट होता है बच्चों वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है। जैसा कि बच्चों आइए हम इस फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं। ये देखिए आप, ये जो है ये रैबिट है। तो रैबिट में आप देखेंगे बच्चों कि रैबिट का जो ये देखिए रैबिट का जो ये फंक्शनल सीकम पार्ट है बच्चों, ये लगभग 50 सेंटीमीटर बड़ा होता है। कितना होता है बच्चों, 50 है। हम लोगों में जो सीकम होता है बच्चों ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, क्योंकि हम लोगों में बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो पाता है, सेल्यूलोज हम लोग ज़्यादा नहीं लेते हैं, इसलिए हम लोगों में सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक बच्चों, और इनमें जो होता है बच्चों सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है। क्यों? क्योंकि इनमें, क्योंकि ये ग्रेजिंग करने वाले होते हैं, क्योंकि ये हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है बच्चों सेल्यूलोज का पाचन सीकम में ही होता है। तो ये सीकम में इनमें लाभदायक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं और लाभदायक प्रोटोजोआंस पाए जाते हैं बच्चों, जो सेल्यूलोज का पाचन का ग्लूकोज के रूप में करते हैं। ठीक बच्चों, तो अगर ये पूछा जाए कि सेल्यूलोज का पाचन रैबिट में कहाँ होता है बच्चों, तो रैबिट के सीकम पार्ट में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में, और किस प्रोसेस के द्वारा, एनएरोबिक फर्मेंटेशन के द्वारा, एनएरोबिक बैक्टीरिया यहाँ कराते हैं। ठीक बच्चों, और दूसरे केस में अगर हम देखें बच्चों, इन केस ऑफ द रुमिनेंट मैमल्स सच एज द काऊ, बफेलो एंड गोट, तो जो रुमिनेंट जुगाली करने वाले जो बफेलो होते हैं बच्चों, जो पागुर करने वाले बफेलो होते हैं, ये क्या सॉरी पागुर करने वाले एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं बच्चों, सच एज द काऊ, गाय होगी, गोट हो गए, या फिर बफेलो, तो इनमें जो डाइजेशन होता है सेल्यूलोज का बच्चों, वो रुमेन पार्ट में होता है या रेटिकुलम पार्ट में होता है। तो इनका स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है, ना तो लार्ज इंटेस्टाइन में। इनमें जो सेल्यूलोज का पाचन होता है बच्चों, इनके किस पार्ट में होता है, स्टमक में होता है। किस में होता है बच्चों, इनके एब्डोमिनल पार्ट में होता है, स्टमक में होता है। और सच एस किस में होता है, ये आप रिमार्क कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाता है, रूमेन में होता है और रेटिकुलम पार्ट में होता है। कहाँ होता है बच्चों, क्योंकि इनमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआंस होते हैं बच्चों, वो रूमेन पार्ट में पाए जाते हैं। स्टमक का जो एक पार्ट होता है बच्चों, जो पाउच टाइप स्ट्रक्चर होता है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जिसको हम रूमेन कहते हैं। तो ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं बच्चों, वो करते क्या है, जो रुमिनेंट मैमल्स होते हैं, ये एक बार अपने कड अपना जो घास होता है बच्चों, उसको अपने अंदर लेते हैं रूमेन में, और रूमेन के बाद फिर क्या करते हैं, ये रिगर्गिटेशन करते हैं। रिगर मतलब जब यहाँ फर्मेंटेशन हो जाता है बच्चों, फर्मेंटेशन के बाद जब इनका एनरोबिक फर्मेंटेशन यहाँ हो जाता है, तो फिर वो अपने भोजन को क्या करते हैं, रिगर्गिटेशन करते हैं, उल्टा लाते हैं अपने मुँह में, और मुख से फिर क्या करते हैं बच्चों, उसको फाइनली डाइजेशन एज वेल एज द एब्जॉर्प्शन के लिए वो अपने इंटेस्टाइन में ले जाते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं बच्चों, चारा को काटते हैं, काटने के बाद सीधे ये रूमेन में ले जाते हैं। रूमेन में क्या होता है, लाभदायक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआंस के द्वारा वहाँ क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, एनरोबिक फर्मेंटेशन।
और फिर रूमेन से क्या करते हैं बच्चे, भोजन को अपना फिर वापस लाते हैं, रिगर्गिटेशन के थ्रू मुख मिलाते हैं, और मुख में क्या करते हैं बच्चे, वहाँ क्या करते हैं जुगाली करते हैं, जुगाली करने के बाद तब फिर क्या करते हैं अपने भोजन को फाइनली कहाँ भेजते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर द पर्पज ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन एज वेल एज द एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक बच्चों, इनके विषय में बच्चों हम लोगों हमने अपने जो हम सबसे पहले पढ़ाए हैं अपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पार्ट में बच्चों, तो इसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, हम आपको फिर बता देंगे कभी, लेकिन ये है बच्चों आज यहाँ हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। इनके फिजियोलॉजी को हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। इनके रूमेन पार्ट में या रेटिकुलम पार्ट में क्या होता है बच्चों, टोटल डाइजेशन होता है, किसमें, जो रूमिनेंट मैमल्स होते हैं उनका जो स्टमक पार्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट का टोटल पाचन कहाँ होता है बच्चों, इनके स्टमक पार्ट में, सच एज द रूमेन एज वेल एज द रेटिकुलम, किसमें, जो ग्रेजिंग करने वाले होते हैं, जो रूमिनेंट मैमल्स होते हैं, जो पागुर करने वाले मैमल्स होते हैं, सच एज द काउ गोट एंड बफैलो में। जैसा कि बच्चों आइए फिगर के माध्यम से हम दिखा देते हैं आपको, फिगर्स माध्यम से आप समझ लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये काऊ है, तो काऊ में आप देखेंगे कि यहाँ देखिए ये आसोफेगस है, आसोफेगस से ये देखिए भोजन यहाँ आता है रूमेन पार्ट में, रूमेन पार्ट में क्या करता है बच्चों, यहाँ जो होता है यहाँ एनर्विक फर्मेंटेशन होता है, फिर यहाँ से भोजन देखिए वापस फिर जाएगा मुख गुहा में, और फिर यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये जुगाली करने के बाद अपने पूरे जो कड होता है बच्चों या इनका जो चारा होता है ये फिर अपने ओमेसम में फिर रूमेन पार्ट में ले जाके फिर क्या करते हैं बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के थोड़ा बाहर की ओर निकाल देते हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से इनमें जो डाइजेशन होता है कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ द सेलुलोज बच्चों, वो कहाँ होता है, स्टमक के रूमेन पार्ट में एज वेल एज द रेटिकुलम पार्ट में होता है, जबकि रैबिट में कहाँ होता है बच्चों, उसके सीकम पार्ट में टोटल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज बच्चों हम लोगों ने डाइजेशन ऑफ फूड स्टफ्स इन इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के विषय में डिस्कस किया है। अगले वीडियोस में बच्चों जो नेक्स्ट वीडियोस हम बात करेंगे वो हम देखेंगे कि आगे बच्चों किस प्रकार से इनका टोटल एब्जॉर्प्शन, भी हम अगले वीडियोस में बच्चों हम बात करेंगे कि नर्वस कंट्रोल ऑफ द डाइजेस्टिव जूस, जितने भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं बच्चों इनका किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल नर्वस सिस्टम होते हैं जो इनको क्या करते हैं बच्चों, कंट्रोल करते हैं। और बाद में बच्चों फाइनली हम लोग बात करेंगे, क्योंकि डाइजेशन तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम एब्जॉर्प्शन को नहीं पढ़ लेते हैं। ठीक बच्चों, तो हम लोग जब डाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद नर्वस कंट्रोल को पढ़ेंगे, नर्वस कंट्रोल के बाद बच्चों हम लोग फाइनली बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड स्टफ्स इन द बॉडी, हम लोगों के शरीर में, हम लोगों के जीआईटी में कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है सभी न्यूट्रिएंट्स का। ठीक बच्चों, तो हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।